हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट अपडेट के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जान लेंगे इस बार कितना ग्रेस मार्क मिल रहा है, कितना परसेंट कॉपियों का अभी तक जाँच हो चुका है, और जो लड़के व्हाइटनर यूज किए हैं या जिनका सेट कट गलत हो गया है दोस्तों, उनके साथ क्या किया जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, सभी कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो का पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इसमें जो मैट्रिक एग्जाम था, 16,80,000 लड़के जो है छात्र छात्राएं एग्जाम में शामिल हुई थी, ठीक है। इसमें लड़कों की संख्या था 8,46,000 और लड़कियों का 8,37,000, ठीक है। कॉपी जांच करने का आपको तिथि पता है दोस्तों? देखिए, 12 मार्च से कॉपी जांच हो रहा है, 24 मार्च तक अंतिम हाल में कैसे भी करके दोस्तों 24 मार्च तक कॉपी जांच कर लेना है, ठीक है। मैं रिजल्ट का डेट भी बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ होली के बाद। अब होली के बाद कब रिजल्ट आएगा मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, बिहार बोर्ड का कॉपी जांच कर रहे हैं परीक्षकों को, जो टीचर जांच कर रहे हैं उनको बिहार सरकार का क्या निर्देश है, यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने लिखा हुआ। देखिए, बिहार सरकार का ये बिहार बोर्ड को सख्त निर्देश है, और जो कॉपी जांच कर रहे हैं टीचर उनको क्या निर्देश है, देखिए क्या है। देख, कॉपियों का मूल्यांकन दोस्तों 24 मार्च में हर हाल तक हो जाना चाहिए, यानी 24 पार नहीं करना चाहिए, 24 तारीख तक डेडलाइन है, 24 तारीख तक हर हाल में कॉपी जांच कर लेना है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए, कॉपी जांच ज़्यादा कड़ाई से ना करें। देखिए, कॉपी जांच है उसको ज़्यादा कड़ाई से नहीं करने के निर्देश है। देखिए, कॉपी क्या होगा, खाली ऊपर से पढ़ेंगे, जो टीचर है जांच कर रहे पढ़ेंगे और आपका नंबर बैठा देंगे, दो चार जितना भी नंबर आ रहा है, मतलब सख्त कड़ाई से कॉपी जांच नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि इस बार कोरोना महामारी था, आपका कोरोना महामारी कारण स्कूल कॉलेज सभी बंद था, तो आपका सिलेबस है जो कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इस कारण पूरा बिहार सरकार की यह निर्देश है कि कॉपी ज़्यादा कड़ाई से जांच नहीं करने का, ठीक है। देखिए, 80% से ज़्यादा कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है। देखिए, ऑब्जेक्टिव का जितना भी दोस्तों ओमर सीट रहा है, उस सबका हो चुका है कॉपी जांच। केवल सब्जेक्टिव का दोस्तों 80% से ज़्यादा मूल्यांकन हो चुका है, केवल 15-20% ही कॉपी जांच करना है, तो 24 तारीख तक वो भी दोस्तों जांच हो जाएगा, ठीक है, 4 दिन में वो भी जांच हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर छात्र फर्स्ट डिवीजन हो रहे हैं पास। देखिए, ज़्यादातर छात्र क्यों फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार दोस्तों ग्रेस मार्क मिल रहा है। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि इनको ग्रेस मार्क मिल रहा है और कितना ग्रेस मार्क मिल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर छात्र हो है वो जो फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब मैं बता दूंगा किनका ग्रेस मार्क मिलने वाला है। जिनका मार्क्स दोस्तों 280 प्लस आ रहा है, उनका मार्क्स बढ़ाकर दोस्तों 300 कर दिया जा रहा है। यानी 300 करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया जा रहा है। देखिए, एग्जांपल के तौर पर अगर आपका मार्क्स देखिए 285 मान के चलिए 285 आ रहा है, तो आपको 15 नंबर का ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, यही बढ़ाकर दोस्तों 300 कर दिया जा रहा है। मान के लिए 290 जिसका आया, तो 10 नंबर का ग्रेस मार्क देकर 300 कर दिया जा रहा है। अब ये किसको मिलेगा 10 या 15 या 20 नंबर का दोस्तों ग्रेस मार्क, जिनका एक भी सब्जेक्ट में दोस्तों क्रॉस नहीं लगा है, ठीक है, जिनका एक भी सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं लगा है उनको ग्रेस मार्क दिया जा रहा है। देखिए, पहली बार जो ऐसा बात नहीं हो रहा, देखिए पहले भी ये हुआ करता था, लेकिन 15 नंबर 20 नंबर का ग्रेस मार्क नहीं मिलता था, 5-6 नंबर मिलता था। कितना मिलता था? 5-6 नंबर मिलता था। लेकिन इस बार दोस्तों कोरोना महामारी कारण स्कूल कॉलेज बंद थे, तो इस कारण दोस्तों आपको ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा ग्रेस मार्क मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे छात्र कमेंट में जरूर बताइएगा जिनका मार्क्स जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर 280 प्लस किए हैं, या 290 के बीच, या 95 किए हैं, तो उनका बल्ले बल्ले है दोस्तों। हाँ, शर्त ये है कि उनका एक भी विषय में क्रॉस नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव में दोस्तों 5 मार्क्स का ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों बोर्ड पर। ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क का ग्रेस मार्क, और सब्जेक्टिव में भी दोस्तों 5 मार्क का ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिए पास करने के लिए 15 मार्क्स चाहिए, किसी स्टूडेंट का 12 मार्क्स आया तो वो तो फेल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में, मैं दोनों में बात कर रहा हूँ, तो वैसे स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उनको 5 नंबर का ग्रेस मार्क देकर, 5 नंबर का ग्रेस देकर 17 मार्क्स कर दिया जाएगा, यानी 15-2 ज़्यादा, यानी पास मार्किंग, ठीक है। ये कब होगा? 2 विषय में, मान के चलिए मैथ में आ रहा है, किसी का साइंस में आ रहा है, तो मान लो साइंस में आ रहा है 214 नंबर, तो उनको भी 5 नंबर का ग्रेस मार्क दिया जाएगा, 19 कर दिया जाएगा, तो पास ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों में, यह चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, 5-5 नंबर का ग्रेस मार्क मिल जाएगा अधिकतम, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। देखिए, इसी कारण दोस्तों तो ज़्यादातर छात्र है, देखिए 90% से अधिक छात्र इसी कारण से पास हो रहे हैं। अब जो साफा मतलब बकलोल होगा दोस्तों, भोजपुरी में कहावत है, जो साफा घचाक होगा मान के चलिए, उनको ही पास नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐसे स्टूडेंट होता है जिनका 400 अधिक विषयों में क्रॉस लग गया, जिनका 300 अधिक विषयों में क्रॉस लग गया,
ज़्यादा तो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं सभी पास हो जाते हैं, लेकिन किसी का तो मान ले कोई सब्जेक्ट वीक है, एक या दो सब्जेक्ट वीक होता है, और कोई स्टूडेंट होते हैं जो मतलब सभी के सभी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट को पास थोड़े किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही स्टूडेंट पास फेल होंगे दोस्तों, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। देखिए तो 90 से 95 मान के चलिए, 90 से 95% छात्र हैं या छात्राएँ हैं वो पास होंगे, ठीक है। इस बार दोस्तों लड़कियों का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, मैं आगे बताऊँगा क्यों। देखिए आज का दोस्तों आज के न्यूज़ है कि ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है, ठीक है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बोर्ड का, आपको जाके देख सकते हैं, आपका मार्क्स मिला सकते हैं कि कितना आपका सही है। देखिए ऑफिशियल आंसर की में कोई प्रश्न गलत होते हैं तो उसका सुधार करके दोस्तों जब रिजल्ट जारी होगा उस टाइम आपको दिखा दिया जाएगा, तो आपको मिला लीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है बिहार बोर्ड के साइट पर जाकर। देखिए अब दोस्तों बहुत सारे छात्रों का ये डाउट था कि सर हमने व्हाइटनर यूज कर दिया है या शेड कोड गलत भर दिया है। देखिए दोस्तों कमेंट में बहुत सारे छात्र ये सवाल पूछ रहे थे, सर मैंने व्हाइटनर यूज कर दिया है या सेट कर, सर हमसे गलत भरा गया है, एक जगह बी भरा गया है, तो उन छात्रों के साथ क्या होगा। देखिए मैं आगे बता रहा हूँ दोस्तों, व्हाइटनर या सेट कोड गलत भरने वालों का आंसर की पेंडिंग में जा सकता है। अगर आपका आंसर की आज नहीं दिखा रहा है मिलाइएगा दोस्तों, अगर नहीं दिखा रहा है तो आपका हो सकता है कि आपका पेंडिंग में गया हो, और पेंडिंग में जाने का मतलब क्या आपका रिजल्ट फेल कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, उसका उन लोगों का मैन्युअली चेक होता है, जो टीचर होते हैं हाथ से चेक करते हैं, नहीं तो दोस्तों ये मशीन से ओमआर से चेक होता है। अगर मशीन में कोई दिक्कत बताया कोई गड़बड़ी बताया तो टीचर खुद हाथ से चेक करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप भी पास हो जाइएगा। केवल आंसर की आपका नहीं दिखाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा उस टाइम आपको सब क्लियर करके दिया जाएगा, ठीक है। देखिए फेल कौन होंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस बार केवल वही दोस्तों फेल होंगे जिनका 2 से अधिक विषयों में दोस्तों क्रॉस लगा हो, ठीक है। कहने का मतलब फिजिक्स में, कहने का मतलब साइंस में लग गया, ठीक है, मैथ में लग गया, दो विषय में तो चल सकता है क्रॉस है दो में तो आपको ग्रेस मार्क्स से पास कर दिया जाएगा, जिसमें 3 विषय में लग गया क्रॉस तो उनको फेल कर सकते हैं, ठीक है, टीचर उनको ही फेल कर सकते हैं। लड़कियां को देखने को दोस्तों मिलेगा, जो लड़की वीडियो देख रही है उनका 3 विषय में क्रॉस लगा हो तो उनको पास कर दिया जाएगा, लेकिन लड़कों का 3 में लगा हो तो पास नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि बिहार सरकार खासकर नीतीश कुमार का लड़कियों पर महिलाओं पर ज़्यादा विशेष का ध्यान है। देखिए गर्ल्स को ज़्यादा ग्रेस मार्क मिलेगा ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि दोस्तों गर्ल्स का ब्याह शादी करना होता है, भले फेल होगी बेचारी तो क्या होगा, उनको दिक्कत सामना करना पड़ेगा, ब्याह शादी भी कट जाएगा, तो इसीलिए गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है दोस्तों, गर्ल्स को ज़्यादा पास करने के लिए ग्रेस मार्क दिया जाएगा, ठीक है। गर्ल्स को पैसा भी मिलता है इंटर पास करने पर दोस्तों, ग्रेजुएशन पास करने पर, तो गर्ल्स को ज़्यादा दोस्तों मतलब लड़कों की तुलना में वैधता दी जाती है, तो यही आपको बताना था, ठीक है। ऑफिशियल आंसर क्या जारी कर दिया गया है, आपका कितना दोस्तों मार्क्स आ रहा है सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में, और कहाँ से आप रहने वाले हैं, बिहार के कौन से जिला के शहर के रहने वाले हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यही बताना था, जिनका मार्क 280 प्लस आ रहा है दोस्तों उनका 15 से 20 नंबर तक ग्रेस मार्क मिलेगा, यानी फर्स्ट डिवीजन कर दिया जाएगा, ठीक है। और जिनका 2 विषयों में क्रॉस लग रहा है या सब्जेक्टिव में लगे या ऑब्जेक्टिव में लगे उनका 5 नंबर का ग्रेस मार्क मिलेगा, ठीक है। फेल कौन होंगे वो मैं बता दिया, व्हाइटनर का यूज करने वाला को मैंने वो भी बता दिया। अब दोस्तों रिजल्ट डेट कब है, होली के बाद तो लिखा हुआ है, देखिए 24 तारीख तक तो आपका कॉपी ही जांच होगा, उसके बाद दोस्तों 29 को हो गया होली, तो होली में तो जारी नहीं होगा, 2-3 दिन का छुट्टी होता है। देखिए आपका जो रिजल्ट है दोस्तों इंटर का रिजल्ट पहले जारी होगा, मान के चल सकते हैं हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों आपका जो जारी होगा दोस्तों अप्रैल में जारी हो सकता है, देखिए अप्रैल के दोस्तों 1 से 7 तारीख के बीच में जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहे, आपका अप्रैल के प्रथम वीक में दोस्तों आपका ये जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो यही आपको बताना था, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आंसर किया गया है बस, अब आंसर किया गया, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर का मैथ या कोई भी विषय हो करके आए हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो में फिलहाल का आज इतना ही रखते हैं, वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको आप दबाइएगा तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा, और बगल में घंटी बना होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।